हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो वेलकम टू स्टडी सोशल साइंस। तो आज JKPSC की तरफ से एक इम्पॉर्टेंट नोटिस आया, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन का जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम होता है 2021 का, वो पोस्टपोन कर दिया गया है। ऑफिशियल नोटिस मैं आपको अभी दिखा देता हूँ इसी वीडियो में। तो वीडियो में हम देखते हैं कि JKSSB की तरफ से कब नोटिस आएगा, पोस्टपोन एग्ज़ाम कब होंगे, क्या होंगे, नहीं होंगे। तो और JKSSB अगर पोस्टपोन एग्ज़ाम करता है तो एग्ज़ाम कब तक होने के चांसेस हैं, क्योंकि बहुत सारे एप्लीकेंट्स ने फॉर्म भरा है, बहुत सारे एप्लीकेंट्स जो हैं सीरियसली इसके लिए तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे कोचिंग कर रहे हैं ऑनलाइन ऑफलाइन। तो तैयारी बहुत एप्लीकेंट्स की चल रही है, हार्डवर्क कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो अब एग्ज़ाम कब होने के चांसेस है अगर JKSSB की तरफ से पोस्टपोनमेंट का नोटिस आता है तो, और क्या एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा वो सारा इस वीडियो में देखेंगे। सो वीडियो के साथ बने रहिए। चैनल पे अगर नए आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें चैनल को। हमारा टेलीग्राम ग्रुप स्टडी सोशल साइंस आप ज्वाइन ज़रूर कर लें, क्योंकि वहाँ पर आपको हर एक नोटिस या आपको PDF वहाँ पर अवेलेबल है। साथ में ही वहाँ पर बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है, मटेरियल अवेलेबल है, बहुत अच्छी बुक्स और बहुत सारा जो NCERT बुक्स के चैप्टर्स इंडिविजुअली मैंने वहाँ पे अपलोड कर दिए हैं, आप वो डाउनलोड वहाँ से कर सकते हैं। स्टडी सोशल साइंस आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे JKPSC की तरफ से नोटिफिकेशन, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि क्या JKSSB के एग्ज़ाम पोस्टपोन होंगे और कब होंगे, कब एग्ज़ाम होने के चांसेस रहेंगे। तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं JKPSC का ये ऑफिशियल नोटिस आया है आज सुबह। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है, रीशेड्यूलिंग ऑफ द कंबाइंड कॉम्पिटिटिव प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 2021 ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक, द कंबाइंड कॉम्पिटिटिव प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 2021 विच वॉज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड ऑन 11/7/2021, ठीक 11 जुलाई को होने वाला था 2021, अब जाके ये एग्ज़ाम होगा। नाउ शेल नाउ बी हेल्ड ऑन 24th of October 2021, दैट विल बी संडे। सो संडे को जो कि होगा 24 अक्टूबर 2021 को अब ये एग्ज़ाम होगा। सो ये क्यों पोस्टपोन हो गया? सो आपको पता है कि कोविड-19 की वजह से रिसेंटली बहुत ज़्यादा सर्च हो गया है कोविड केसेस में पूरे इंडिया में, अराउंड 4 लाख। अब थोड़ा जो है ग्राफ उसका डिक्लाइन हो रहा है, लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं, जो WHO भी हैं या इंडियन हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं या और भी जो भी हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने प्रिडिक्ट किया है कि ये जो है इंडिया में सिचुएशन अभी काफ़ी ख़राब है और काफ़ी सीरियस है, और ये एटलीस्ट 1 महीना और चलेगा अगर इन जो है प्रिकॉशन सही से नहीं ली गई, या अभी उन्होंने प्रिडिक्ट किया है कि और ज़्यादा आगे बढ़ सकता है। तो हम उम्मीद करते हैं और दुआ करते हैं कि ये जल्दी से जल्दी कोरोना वायरस का जो ये बीमारी है जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए, क्योंकि इसकी वजह से बहुत तकलीफ़ें, बहुत सारा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है स्टूडेंट्स को भी और आम लोगों को भी। तो आप भी दुआ करें कि ये जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए और एक नॉर्मल लाइफ फिर से शुरू हो जाए। और आपसे रिक्वेस्ट है कि जो पूरे SOPs हैं वो फॉलो करें, प्रिकॉशंस लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा सीरियस मामला चल रहा है आजकल कोविड-19 की वजह से। सो चलिए देखते हैं यहाँ पे अब एग्ज़ाम। आपको पता है JKSSB अभी तक जो है कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं निकाला गया है, खासकर जो एग्ज़ाम जून में होने वाले हैं उससे रिलेटेड अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है। हाँ, जो मई में एग्ज़ाम होने वाले थे 24 से 31 मई के बीच में जो एग्ज़ाम होने वाले थे वो पोस्टपोन कर दिए गए हैं JKSSB ने, उसका नोटिस हमने आपके साथ इससे पहले शेयर कर लिया है। तो अब जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, आपको पता है पहले सही से JKSSB अभी रिसेंटली जो है आपका जो माइग्रेंट्स का सिलेक्शन लिस्ट आया था, फिर जो पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का भी सिलेक्शन लिस्ट आया था, लेकिन अभी तक क्लास 4 का लिस्ट नहीं देखने को मिला है, तो वो भी बहुत ही जल्दी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको JKSSB अब ये तो पक्का है कि एग्ज़ाम आपका पोस्टपोन होगा ही होगा, जो भी आपके एग्ज़ाम जून में होने वाले थे, पर्टिकुलरली जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम होने वाला था 1st से 10th ये जून के बीच में, जो टेंटेटिव कैलेंडर में डेट दी गई थी, अब वो एग्ज़ाम नहीं होगा। ये अभी ऑफिशियल नहीं है, लेकिन
इस सिचुएशन में कोविड-19 ऐसे लॉकडाउन में, अभी आपको पता है लॉकडाउन चल रहा है, तो इस लॉकडाउन में एग्ज़ाम तो होगा नहीं। तो JKSSB की तरफ से बहुत जल्दी आपको इसके रिगार्डिंग भी नोटिस देखने को मिलेगा। तो एग्ज़ाम आपका डेफिनेटली पोस्टपोन होगा, लेकिन कब कंडक्ट कराएगा JKSSB फिर एग्ज़ाम? तो आपको जैसे मैंने बताया कि अभी कम से कम 1-1.5 महीना सीरियस यहाँ पे मामला रहेगा पूरे हिंदुस्तान में। जो हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने बोला है कि यहाँ पे अभी हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा सीरियस मामला रहने वाला है। एटलीस्ट 1 महीना तो आप मान के चलें कि यहाँ पे कोई एग्ज़ाम अभी होगा, कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा। सो अगर जून छोड़ के फिर जुलाई अगस्त में आपके एग्ज़ाम होने के बहुत ही कम चांसेस हैं, ठीक है, थोड़े बहुत चांसेस बनते हैं, लेकिन एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा आपका अगस्त में, प्रॉबेबली नहीं हो पाएगा। हो भी सकता है, लेकिन 90% चांसेस हैं कि एग्ज़ाम नहीं होगा अगस्त में, क्योंकि जुलाई अगस्त अभी जो है मामला बहुत ज़्यादा ख़राब है। सो इसकी वजह से जुलाई में तो नहीं होगा, अगस्त में मामला जो है आपका एग्ज़ाम कम होने के चांसेस हैं, अराउंड 10% आप मान के चलें। लेकिन उसके बाद आपका अगस्त सितंबर या अक्टूबर में डेफिनेटली आपके इंशाल्लाह, अगर जो है हालत सही होती है, इंशाल्लाह ज़रूर होगा, और एग्ज़ाम जो है आपके फिर सितंबर या अक्टूबर में मोस्ट प्रोबेबली हो जाएंगे। और यहाँ पे जो नोटिस आएगा शायद JKSSB की तरफ से 3-4 दिन में आपको जो है नोटिस देखने को मिलेगा। सो एग्ज़ाम होने के चांसेस जैसे मैंने बताया सितंबर या अक्टूबर में आपके डेफिनेटली एग्ज़ाम होंगे। तब तक आपको करना क्या है, आपको बिल्कुल भी अपनी तैयारी को छोड़ना नहीं है या कम नहीं करना है, या आपको ये सोचना नहीं है कि अभी कुछ दिन के लिए रिलैक्स हो जाएं या कुछ दिन नहीं पढ़ेंगे या 5-10 दिन नहीं पढ़ेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं आपको सोचना है। क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आप शायद रेस में बहुत ज़्यादा पीछे हो जाएंगे। रेस में आपके साथ बहुत एप्लीकेंट्स हैं, बहुत ज़्यादा एप्लीकेंट्स ने फॉर्म भरे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत सारे लोग इसमें कोचिंग कर रहे हैं और इन्वेस्ट किया है अपनी पॉकेट मनी, बहुत उन्हें इन्वेस्ट की है इस एग्ज़ाम पढ़ने के लिए। सो आप जो भी जिनकी अभी तैयारी बहुत अच्छी है वो अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें। हाँ, अगर कोई पहले 8-10 घंटे पढ़ता था तो वो 1-2 घंटे काम कर सकता है, लेकिन छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, आपको तैयारी कंटिन्यू रखनी है और बहुत सीरियसली आपको पढ़ाई करनी है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम होगा और बहुत जल्दी ही होगा। तो तैयारी करते रहिए और इंशाल्लाह आपका सिलेक्शन भी देखने को ज़रूर मिलेगा। और आप दुआ करें कि जो पैंडेमिक है, जो कोरोना पैंडेमिक है, ये जल्द से जल्दी ख़त्म हो जाए और इससे हमें अल्लाह ताला अब जो है आज़ाद करें, निजात दें। तो ये था आपका नोटिफिकेशन JKPSC की तरफ से जो हमने यहाँ पे देखा। और JKSSB की एग्ज़ाम्स की बात करूँ तो वो भी डेफिनेटली पोस्टपोन यहाँ पे हो जाएंगे, और कब एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे तो वो भी मैंने आपको बता दिया है। अगस्त में आपके बहुत कम एग्ज़ाम्स होने के चांसेस हैं, सितंबर अक्टूबर में आपके डेफिनेटली एग्ज़ाम्स हो जाएंगे। तो ये था आपका कंप्लीट जो है डिटेल्स जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी आज इस वीडियो में। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग, इसको शेयर ज़रूर कर लें आप, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल के साथ बने रहिए, टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज़रूर ज्वाइन कर लें, वहाँ पे आपको PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सो थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।